एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यूपी के अन्य शहरों की तुलना में गोरखपुर की पब्लिक काफी हद तक ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है, जो सराहनीय है, लेकिन शहर के कई इलाकों में सक्रिय होने की वजह से यहां जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह शहर का निरीक्षण कर जाम की समस्या को दूर करे। उन्होंने कहा कि महानगर की सड़कों की और भी चौड़ीकरण की संभावनाएं बन रही हैं। कई सड़कें ऐसे देखने को मिल रही है जहां एक्स्ट्रा पोल और ट्रांसफार्मर की वजह से रास्ते सक्रिय हो गए हैं। इसके लिए संबंधित विभाग से बात कर सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा, जिससे कि जाम की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस स्टेशन पर सरकारी बसें रोड पर खड़ी होने की वजह से यहां पर अधिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसके लिए यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करके सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में अभी ट्रैफिक स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस में इन दिनों TSI की भर्तियां हुई है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। यहां पर काफी संख्या में नए TSI तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में ई रिक्शा की संख्या काफी अधिक देखने को मिल रही है, जो कि जाम का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह बेहद जरूरी भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में चलने वाले ई रिक्शा का रूट निर्धारित किया जाए, साथ ही ई रिक्शा के लिए लाइसेंस भी जारी किया जाए। जो भी ई रिक्शा चलेंगे उनके लिए लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहर के हर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर विभाग का साइन बोर्ड जरूर दिखने चाहिए, जिससे कि लोग ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक होते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, कल मेरा यहाँ पे आगमन हुआ और कल सभी मुख्य चौराहों पर मैंने भ्रमण किया और जितने भी दबाव के यातायात के दबाव के पॉइंट्स हैं गोरखपुर शहर में, उन सभी को देखा, उनका मुआयना किया और आज ऑफिस में कार्यालय में बैठकर और इनके जितने भी पत्रावलियां हैं और इनके उपकरण हैं, ट्रैफिक स्टोर्स हैं, इन सब का निरीक्षण किया गया और इनसे चर्चा की गई। और ट्रैफिक क्योंकि एक सामंजस्य का डिपार्टमेंट है, मतलब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की इसमें आवश्यकता रहती है, तो आज जो हमारी मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, जैसे कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थे और अपने नगर निगम के थे, NH के थे, NHAI के थे, ITMS के थे और अपने पुलिस विभाग के, तो सभी से चर्चा हुई और एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ हम लोग कर रहे हैं कि ट्रैफिक में, उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक में सुधार लाएं। और चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, गृह जनपद भी है और एक इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न यूपी का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो इस सिलसिले में गोरखपुर बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर कायम हैं, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक की काफ़ी अच्छी हैं। मैं यूपी के और भी जनपदों में भ्रमण कर चुकी हूँ और गोरखपुर में काफ़ी सक्रियता है ट्रैफिक के नाम पर, तो ये बेहद प्रसन्नता की बात है। पर देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम इच्छुक हैं, जिस तरह से हम करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसी सब के बारे में चर्चा हुई है और इसी पर हमारा फोकस रहा है, हम केंद्रित रहे हैं। कुछ उपकरणों के बारे में आज मैंने इनसे टेस्ट करवाए, जो जैसे लक्स मीटर है, स्पीड गन है, स्पीड रडार है और ब्रेथ एनालाइज़र है, इन सभी का टेस्टिंग करवाया, तो इनके उपकरण ठीक हैं और ये विभिन्न एरियाज पर, पॉइंट्स पर इनको ऑलरेडी इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जिनका प्रयोग हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। एन एम्प्टी स्टोर इज़ द बेस्ट स्टोर, जहाँ पे सारा इक्विपमेंट वितरित हो वो स्टोर सबसे अच्छा होता है। कुछ इनकी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम वो करेंगे। और बाकी जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है, उसमें अभी हमको कुछ TSI उपलब्ध हुए हैं, तो वो TSI जब हमारी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो इनके भी जनपद का हम थोड़ा स्ट्रेंथ ऑगमेंट करेंगे, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स का, तो उससे और इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा और इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब इनका बल बढ़ेगा। कुछ इनकी ज़रूरतें हैं जो हमको लखनऊ से पूरी करनी होंगी, जैसे विभिन्न विभागों की, तो वो चीज़ें मैं विभिन्न विभागों को, जैसे स्मार्ट सिटी का जो डिपार्टमेंट है उनसे या नगर विकास से
इनसे कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं तो वो लिख के भेजी गई हैं, पर उनको हम और ट्रांसपोर्ट विभाग से उनको मैं पर्सनली भी परस्यू करना चाहूँगी तो वो करूँगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ दिखाई दिए उनका काफ़ी एक सहयोगात्मक रवैया दिखाई दिया, और इंक्लूडिंग जो बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग है उनके भी हमारे पास प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और चूँकि शिक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी थ्रस्ट है और जोर है, तो हम ये कोशिश ये करते हैं, और चूँकि ये ट्रैफिक माह चल रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना से जितना हम जागरूकता कर सके इसके सिलसिले में, ट्रैफिक के सिलसिले में जितनी हम ट्रैफिक सेंस पैदा कर सके लोगों में उतना बेहतर होगा। चालान प्रवर्तन की कार्रवाई तब की जाती है जब आदमी मनबड़ू हो जाता है और लॉ अबाइडिंग नहीं होने के लिए तैयार होता है, पर मैं देख रही हूँ कि गोरखपुर की जनता यहाँ पर, और जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी लॉ अबाइडिंग हो रही है, टू लेन्स नहीं बन रही हैं, सिंगल लेन में ही हो रहा है, और जो पी एड्रेस सिस्टम है यहाँ का बहुत तगड़ा है, तो उस पर अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कि साहब आप स्टॉप लाइन से आगे आ गए हैं, फलाना गाड़ी पीछे जाए नहीं तो आपका चालान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं कि काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। और अब जो शिक्षण का कार्य है तो माध्यमिक शिक्षा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूलों में कॉलेजों में जितने भी माध्यमिक के स्कूल्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट हों चाहे गवर्नमेंट एडेड हों और प्राइवेट स्कूल्स भी, उन सभी को इन्होंने निर्देश भेजे हैं कि ट्रैफिक को एक विषय के रूप में लिया जाए, ट्रैफिक का एक कोर्स कंटेंट हो सिलेबस में हो और वो बच्चों को शिक्षण दिया जाए और पढ़ाया जाए। और ये ट्रैफिक माह का भी हमारा उद्देश्य रहता है कि जितनी से ज़्यादा हम जागरूकता पैदा कर सकें लोगों के बीच में उतनी हम करें। अभी हाल ही में हमारा अनुबंध हुआ था मैप माई इंडिया के साथ मैपल्स, और उसमें एक वो एक ऐसा ऐप है जिसमें हम ट्रैफिक एज अ ट्रैफिक पुलिस या एज अ सिटीज़न हम उसमें ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी जानकारियां डाल सकते हैं और वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी उस ऐप के ज़रिए, और जो भी अगर कहीं पे किसी प्रकार का ट्रैफिक अवरुद्ध है किसी भी कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, रोड टूटी हुई है उसके कारण, या कोई प्रोसेस जा रहा है, कोई रैली हो रही है उसके कारण, किसी के भी कारण, या कोई दुर्घटना हो गई है किसी के कारण भी, कोई सड़क या रास्ता अवरुद्ध है, तो वो जब हम सूचना उस पर डाल देंगे तो वो उस मैप पे अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के कारण वो ऐप हमको अल्टरनेटिव वैकल्पिक रूट दिखाएगा, स्पीड लिमिट है वो भी बताएगा, पार्किंग जोन कहाँ है वो भी बताएगा। तो ये सारी चीज़ें एक नई नई टेक्नोलॉजी को ला के इन सब चीज़ों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मुझे मैप माई इंडिया की टीम के द्वारा बताया गया कि गोरखपुर में इस ऐप की व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़ गई है। रही बात कुछ इनको जो आवश्यकताएं थी साइनेजेस की और कुछ स्प्रिंग पोस्ट वगैरह की, तो अभी हमारी हाल ही में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात की हुई और उनके जो सचिव थे वो यहाँ पर उपलब्ध थे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो साइनेजेस हैं उनको लगवाया जाए और उनको हम करें। पीडब्ल्यूडी से हमारे नगर निगम से हमारी ये बात हुई कि जो सड़क चौड़ीकरण की बात है उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो सड़क चौड़ीकरण की बात है वो सड़क चौड़ीकरण हम आइडेंटिफाई करके दें और जहाँ जहाँ वो उनको चौड़ा कर सकते हैं, रास्ते जो संकीर्ण हैं उनको बढ़ा कर सकते हैं, या जो वन वे का हम लेफ्ट वे का जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें वो किस तरह से सहयोग कर सकते हैं GDA और अपना नगर निगम वो सपोर्ट करें, तो ये सारी बातें हो रही थी और सारी चर्चाएँ हो रही थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सबका यहाँ पे एक सहयोगात्मक रवैया लगता है, क्योंकि आखिरकार ये एक मल्टी एजेंसी रोल है, ट्रैफिक पुलिस अकेले का रोल नहीं है, इसमें सबकी सहभागिता है इंक्लूडिंग द सिटीजन्स इंक्लूडिंग द आम नागरिक, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें बेहद सुधार होगा एंड आगे जो भी हम इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करेंगे और जो भी बेस्ट हम यहाँ का एक मॉडल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रूप में जो हम बना
बना सकते हैं, जो कर सकते हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। ITMS का निरीक्षण कल मैंने किया और मैं ये कहना चाहूँगी कि ITMS की टीम जो यहाँ पर है बहुत ही एंथुजियास्टिक टीम है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन का उनका काम है, ANPR का काम है, जिसपे उन्होंने कई सारे क्राइम केसेस भी डिटेक्ट किए हैं। दिस इज़ वेरी हार्टनिंग, क्योंकि देखिए जो एक सर्वेलांस की बात होती है, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग की बात होती है, वो सब ITMS के जरिए हमको मिल सकता है। तो वो ना केवल ट्रैफिक का उन्होंने में उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, पर क्राइम डिटेक्शन में भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की, विच इज़ वेरी हार्टनिंग। और ये ITMS में कुछ हमको और विस्तार चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुझे कुछ बिंदु बताए हैं और उनको मैं परस्यू करूँगी। जहाँ से भी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे परस्यू करना है, स्मार्ट सिटी के डिपार्टमेंट से, वो मैं लखनऊ जाके ज़रूर करूँगी। देखिए जहाँ तक TSI की बात है, तो TSI तो हमको कुछ उपलब्ध हुए हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग हैं और उनकी ट्रेनिंग 5 दिसंबर तक ही समाप्त होगी। उसके बाद 15 दिसंबर तक ही विभिन्न जनपदों में हम उनकी पोस्टिंग कर देंगे। तो वो विभिन्न जनपदों में गोरखपुर भी इंक्लूडेड है और प्रायोरिटी प्राथमिकता पर इंक्लूडेड है। तो नए साल से पहले आपको कुछ TSI तो ज़रूर मिल जाने चाहिए। बाकी जो हमारा नियतन है ट्रैफिक पुलिस का, तो उस नियतन में हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं या उसको किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। और यदि हमने उसको उपयुक्त पाया कि हम मैन पावर एनहेंसमेंट के लिए प्रस्ताव भेजें, तो वो भी भेजा जाएगा। बाईलेन जो भरा रहता है उसमें मेरे ख्याल से MP सिंह साहब इस पर कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इट इज़ अंडर स्टडी। तो एक बारी ये पूरा अपनी स्टडी कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपसे ये इस पर डिस्कस करेंगे। नहीं, आपने एकदम बात ठीक बोली कि कई सारे ऐसे खंभे हैं, पोल हैं, चाहे वो टेलीफोन के हों, चाहे बिजली विभाग के हैं, जो आउट ऑफ यूज़ हैं और खड़े हैं, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा उनके कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं जो PWD और नगर निगम दोनों से ही संबंधित हैं और इन पर ही चर्चा हुई है। द गुड पार्ट इज़ कि इन पर जो है एक स्पेसिफिक रूप से चर्चा हुई, इन द सेंस कि कौन, देखिए वी हैव टू गेट डाउन टू स्पेसिफिक्स कि किस लोकेशन पे कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है। चाहे हम वो एक ही एरिया में इम्प्रूवमेंट लाएँ पर उसमें एक फोकस्ड इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, तो वो फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। उसी पर हमने ध्यान केंद्रित किया, ये नहीं कि एक जनरल टॉक नहीं हुई है, एक जेनेरिक टॉक नहीं हुई है, ये स्पेसिफिक टॉक हुई कि किस एरिया में चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है, कहाँ खंभे हैं, कहाँ पोल हैं, जो आउट ऑफ यूज़ हैं उनको रीलोकेट करना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएँ हुई हैं और हमने SP ट्रैफिक को यही निर्देश दिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए उन सड़कों को, आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे वो 3 ही सड़क हों, पर आप आइडेंटिफाई कीजिए वहाँ से क्या चीज़ कहाँ रीलोकेट होनी है, कहाँ चौड़ी होनी है, ये सब आइडेंटिफाई करके आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको बताइए, ताकि वो अपना प्रस्ताव भेज कर उस पर आगे कार्रवाई कर सके। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट स्पेसिफिक लेवल तक की, ये बहुत ज़रूरी है, वो हम उसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।